खबर प्रयागराज से है, जहां संयुक्त संघर्ष समिति के नियमित बैठक में सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ व छात्राओं की सुरक्षा के लिए चल रहे इस क्रमिक अनशन में यदि सरकार द्वारा कुलपति को शीघ्र बर्खास्त नहीं किया गया तो यह अनशन दो दिन बाद आमरण अनशन में बदल जाएगा। वहीं आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति की बर्खास्तगी व छात्र बहनों की सुरक्षा के लिए महिला छात्रावास के सामने जारी क्रमिक अनशन के दूसरे दिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के सन 1963-64 के छात्र संघ अध्यक्ष रहे विनोद चंद्र दुबे, सन 1995 के छात्र संघ अध्यक्ष कृष्ण मूर्ति यादव, पूर्व अध्यक्ष के राय, सन 2012-13 के छात्र संघ अध्यक्ष दिनेश यादव ने भी उपस्थित होकर अपना समर्थन दिया तथा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विनोद चंद्र दुबे ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति के दबाव में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ऋचा सिंह पर फर्जी मुकदमा कराना अत्यंत निंदनीय है और यह कुलपति के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तोड़ने का प्रयास है, परंतु अब हम इस अनैतिक व व्यभिचारी कुलपति को यहाँ से भगाकर ही दम लेंगे। वहीं पूर्व अध्यक्ष कृष्णमूर्ति यादव ने कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पतित भ्रष्टाचारी कुलपति के खिलाफ छात्र 5 सालों से लड़ रहे हैं, यदि अब कुलपति की शीघ्र बर्खास्तगी नहीं की जाती है तो हम सड़क से लेकर सांसद तक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तथा पूर्व अध्यक्ष के राय ने कहा कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन द्वारा पूर्व अध्यक्ष ऋचा सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन पर लगाए गए आरोपों को नजरअंदाज करके उनके ही खिलाफ FIR पंजीकृत की गई थी, यह शासन और सरकार की संवेदनहीनता को दर्शाता है। इस दौरान आंदोलन को समर्थन देने के लिए समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष अखिलेश गुप्ता उर्फ गुड्डू ने, प्रगतिशील समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष तिवारी कीवा ने, अविनाश विद्यार्थी चौधरी संदीप यादव, अजय सम्राट सौरभ बंटी, आनंद सेंगर, आलोक त्रिपाठी, वहीं छात्राओं में APBP के पूर्व अध्यक्ष प्रत्याशी प्रियंका सिंह, श्रुति, मोनिका, आद्या, स्तुति, अधिक संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। प्रयागराज से शहबाज आलम की रिपोर्ट। पर हम लोग की बातें हो चुकी है और बातें कई खुल के सामने आई, अब एक तरीके की ऑडियो बना दी गई है और उसको बार बार वायरल किया जा रहा है जिसमें कई राजनेता भी सम्मिलित हो चुके हैं, अब क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, इस देश की सरकार के पास बेटियों की सुरक्षा का जवाब तो है जी। हैदराबाद की जब घटना हो जाती है तो इस देश के नेता बेटियों को जिम्मेवार ठहराते हैं जी। उन्नाव की घटना हो जाती है और भाजपा के नेता ये पूछते हैं बेटी ने पुलिस में क्यों नहीं दी। उसी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर ये पूछ रहा है कि लड़कियों को शिकायत थी तो वो हमारे पास क्यों नहीं। विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर ये कहता हूँ कि मैं जहाँ जाता हूँ सुंदर लड़की को देखता हूँ। इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के ऊपर इस बात के जांच सिद्ध हो चुकी है कि किस तरीके से उसने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए नौकरी का लालच देकर पूर्व छात्रा के साथ उसका उत्पीड़न करने का प्रयास किया। जिस वाइस चांसलर का कुलपति का PRO अपने ऑफिशियल PRO ग्रुप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय की संपत्ति का मिसयूज करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान शोध छात्रा का एक फर्जी ऑडियो वायरल करता है, ये जानते हुए कि वो पूरी तरीके से फर्जी है। आपके पास जब इस देश का महिला आयोग आपसे ये पूछ रहा था कि कैंपस पर लड़कियां सुरक्षित क्यों, जब देश का महिला आयोग विश्वविद्यालय के अंदर जाके कुलपति से मिलना चाहता था, जब देश का महिला आयोग ये कह रहा था कि लड़कियों की सुरक्षा विश्वविद्यालय के अंदर मुकम्मल नहीं है, उस दौरान आपने सवाल उठाने का एक फर्जी, सवाल उठाने वाले का ही एक फर्जी ऑडियो वायरल कर दिया। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस ऑडियो की जांच करा लीजिए और हमने ये जांच की मांग हमने पहले दिन से की है, इसकी CBI जांच करा लीजिए, इस स्कॉटलैंड पुलिस से भी जांच करा लीजिए और तब भी भरोसा ना हो तो UNO से जांच करा लीजिए। लेकिन इन जांचों का जवाब लड़कियों की असुरक्षा के सवाल से नहीं मिलता। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ और आप जिला प्रशासन का भी दोहरा रवैया देख सकते हैं। मैं आपको ये वो FIR दिखाना चाहती हूँ कि जो जिला प्रशासन को हम लोग पिछले 3 महीने से कह 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 दे रहे हैं, जिला प्रशासन को लिख कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद इलाहाबाद की पुलिस ने लड़कियों की सुरक्षा पर कितनी गंभीर है उसने FIR दर्ज नहीं की। उसने मुझसे कहा कि लड़की को आकर यहाँ बयान देना पड़ेगा। जब आपने FIR ही दर्ज नहीं की तो लड़की बयान कैसे देती, और वो लड़की निकली, उसने महिला आयोग को बयान दिया और महिला आयोग ने स्पष्ट शब्दों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा
कि महिला छात्रावास में काम करने वाला ठेकेदार कोई समथिंग कपूर है, जिस जो कि लड़कियों से छेड़खानी करता है, जिसके लोग लड़कियों से छेड़खानी करते हैं। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि जिला प्रशासन ने भी उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं की और विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी उसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया? हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि वो वाइस चांसलर का वो गुर्गा है जिसके माध्यम से महिला छात्रावास में देर रात अवैध कार्य कराने का प्रयास किया जाता है। और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो मेरा ही एक फर्जी ऑडियो वायरल कर दिया गया। मुझे लगातार धमकी दी जा रही है कि आज आपका ऑडियो वायरल किया गया है, कल आपका वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। इस ऑडियो का आना, इस समय में आना, अपने आप में इस सवाल का जवाब है कि वो फर्जी ऑडियो। आखिर क्या कारण था? या तो मुझे ही ब्लैकमेल किया जा रहा था उस ऑडियो को रखकर? एक बड़ा सवाल ये भी है, अगर इनके हिसाब से मान लें कि वो ऑडियो सही था या गलत था, तो यानी कि विश्वविद्यालय मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। जैसे विश्वविद्यालय आज मुझे ये कह रहा है कि आपका वीडियो वायरल कर देंगे, अभी तक मुझसे कह रहा था आपका ऑडियो वायरल कर देंगे। हम लोगों ने स्पष्ट ये कहा है कि महिलाओं की और छात्राओं की सुरक्षा के सवाल से कोई समझौता नहीं होगा। आज मेरे खिलाफ एक FIR हुई है, आने वाले दिनों में आप मेरे खिलाफ 10 FIR करा लीजिए। मैं यही आमरण अनशन करूंगी, क्योंकि मुझे पता है लड़कियों की सुरक्षा के सवाल पर लड़ना आसान नहीं है। अगर लड़कियों की सुरक्षा का सवाल इस देश के लिए इतना संवेदनशील होता तो ना उन्नाव की घटना होती, ना हैदराबाद की घटना होती, ना निर्भया का कांड होता और ना ही शाहजहांपुर की घटना होती। इस देश का सरकार, इस देश की पुलिस कितनी संवेदनशील है वो हम जानते हैं। आप तो शिकायतकर्ता के ऊपर FIR दर्ज करके क्या जिला प्रशासन और पुलिस महकमा मुझे डराने और धमकाने का प्रयास कर रहा है? हम पुलिस महकमे से कहते हैं कि आप इस बात का जवाब दीजिए कि जब हम आपसे 3 महीने से लड़कियों की सुरक्षा के सवाल पर शिकायत कर रहे थे तो आज तक आपने FIR क्यों नहीं दर्ज की? अगर आप इतने ही रैशनल थे, आप इतने ही न्याय संगत थे, तो आपको दोनों का FIR दर्ज कर उसकी जांच करनी चाहिए थी। लेकिन केवल बदले की भावना से आंदोलन को वापस कराने के उद्देश्य से मेरे ऊपर FIR की गई। और FIR ही नहीं, अब तो आप उठाकर मुझे तिहाड़ जेल भी भेज दीजिए, क्योंकि हम वो देश में रहते हैं जहाँ पर JNU का एक छात्र जो 10 दिन तिहाड़ काट कर आता है तो वो देश के लिए नोबेल लेकर आता है। आप मुझे जेल भी भेज देंगे तो भी मैं छात्राओं की सुरक्षा के सवाल से समझौता नहीं करूंगी। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक जिम्मेदार पूर्व अध्यक्ष हूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक जिम्मेदार शोध छात्रा हूँ और इस देश के एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। इसको सवाल करना भी आता है, जवाब मांगना भी आता है। हमने संसद में उठाया है सवाल और हमारा जवाब प्रधानमंत्री से हम मांगेंगे, किसी जिला प्रशासन और किसी विश्वविद्यालय प्रशासन का हमारा आंदोलन मोहताज नहीं है। ये अनशन पे बैठी हैं आप? हम लोगों का क्रमिक अनशन है, आज हमारे क्रमिक अनशन का दूसरा दिन। हम कल तीसरे दिन और क्रमिक अनशन जारी रखेंगे और इस देश की सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अगर उसने तत्काल रूप से रतनलाल भांगू को बर्खास्त नहीं किया तो आने वाले चौथे दिन से मैं आमरण अनशन पर चली जाऊंगी। मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन मैं महिला सुरक्षा, छात्राओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार। छात्राओं को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, छात्राओं को विजिटिंग हॉल नहीं मिल रहा है, छात्राओं के लिए डिस्पेंसरी नहीं है, छात्र क्यों नहीं है। अधीक्षिकाएं छात्राओं को कल पूरे हॉस्टल में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से नोटिस लगा के लड़कियों को धमकाया गया कि कोई भी आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि लड़कियों ने पूरी मजबूती से इस आंदोलन का समर्थन किया है, क्योंकि वो इस आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन आप हमें कितना भी धमका लें, हम जान दे देंगे, लेकिन आप पीछे नहीं।